हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ महोबा के कुछ फेमस टेंपल हैं। बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं है, पर शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ब्रदर वगैरह और जिस भाई की अभी शादी हुई थी ना, वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, क्योंकि मेरी दीदी का ससुराल है वहाँ पर, तो इसीलिए महोबा में है। तो वहीं के कुछ टेम्पल हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये वहाँ पर लहचूरा बांध है, जो कि महोबा के बहुत पास में पड़ता है लहचूरा बांध। तो वहाँ का है ये व्यू, ये देखिए पत्थर वगैरह दिख रहे हैं। और ये बांध जो है इस टाइम पर थोड़ा सा सूखा सूखा नज़र आ रहा है अभी, वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी रहता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आयान मॉम एंड ब्यूटी जो रमा है, वो भी महोबा की हैं। उन्होंने भी बहुत सारी जगह जो है महोबा की दिखाई है अपनी वीडियो में। अभी 2-3 महीने पहले जब वो अपने मायके में थे, तब भी उन्होंने वो टेम्पल दिखाए थे। वही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, देखना वहाँ के टेम्पल। और ये लहचूरा बांध का भी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हैं व्यू, और उसके बाद आप लोग वहाँ के टेम्पल देखेंगे। काफ़ी पुराने पुराने, मतलब बहुत पुराने टेम्पल हैं, क्योंकि महोबा को आला उदल की नगरी बोला जाता है। तो वहाँ आला उदल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है वो, और माना जाता है कि आज भी जो वहाँ पे टेम्पल है ना, जो वहाँ के मंदिर है, वहाँ पर एक चंद्रिका माता का मंदिर है, तो वहाँ पर आला उदल अभी भी आते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी भी वो रात को वहाँ पर आते हैं। और ये देखिए, बस पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ के पास का व्यू है ये, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ के टेम्पल। और ये देखिए, मैं आपको एक बहुत पुराना मंदिर दिखा रही हूँ। ये 7000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का नाम है रामकुंड, रामकुंड के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना कुंड भी है, जिससे नाम से ही ये मंदिर का नाम दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये कुंड है, और ये कभी खाली नहीं होता है, ये कुंड हमेशा इसमें पानी रहता है। इसी को रामकुंड का नाम बोला, रामकुंड के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये शिव जी का छोटा सा मंदिर था जो अभी आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये सारे लोग गए थे, ये देखिए सब, मतलब बहुत इन्जॉय किया है इन लोगों ने। बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। ये दीदी की नंद है, दीदी के बच्चे हैं, और ये आगे दीदी जा रही है, और जिस भाई की अभी शादी हुई थी ना, तो वो लोग भी। ये जो मंदिर अभी आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी चंद्रिका माता का मंदिर है। आप लोगों ने आयान मॉम एंड ब्यूटी के ब्लॉग में भी देखा होगा, अभी पिछले 2-3 महीने पहले वो भी इधर आई हुई थी। और यहाँ पर 2 चंद्रिका माता के मंदिर हैं, एक बड़ी चंद्रिका है, एक छोटी चंद्रिका है, 2 मंदिर हैं। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी चंद्रिका का मंदिर है यहाँ पर। और ये थोड़ा बाहर का व्यू है, ये देखिए, ये बाहर पर सब लोग, ये लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो बाहर का व्यू लिया गया है। और फ़िलहाल देखिए, मैं जाती तो थोड़ा अलग तरीके से, मतलब वीडियो वगैरह बनाती, बट इन लोगों ने जैसे शॉर्ट्स वीडियो लिए हैं, वही मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह लेने के लिए है, यहाँ प्रसाद वगैरह लेते हैं लोग चढ़ाने के लिए। और महोबा मैं भी जा चुकी हूँ, क्योंकि दीदी की ससुराल है, दीदी की ननद की शादी में मैं गई हुई थी, लेकिन शादी से पहले गई थी मेरी, जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले गई थी। और वहाँ पर लेकिन मैंने टेम्पल वगैरह नहीं देखे हैं कभी भी, घूम के आए हैं बस वहाँ पर, लेकिन टेम्पल वगैरह नहीं देखे हैं। बट अब कभी जरूर, जब जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे वहाँ के टेम्पल, और फिर अच्छे से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।